Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 4 linear equation in two variables of class 9 of NCERT maths book. Question number 1 is the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. We have given a statement. एक statement given है हमें और उसको हमें linear equation in two variables की form में represent करना है. Generally क्या होता है कि इस type के sums को बच्चे सोचते हैं कि these are very difficult. But अगर हम इसको अच्छे से ध्यान से statement को पढ़कर और logically चले तो this is not so difficult to form the linear equation from a given statement. क्या होता है इन स्टेटमेंट में आई अर्लियर डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो दैट इन दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट क्वेश्चंस देयर आर टू थिंग्स एंड वन कंडीशन क्यों क्योंकि दो वेरिएबल्स और एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो दो कंडीशंस होंगे उनके ऊपर एक कंडीशन दो वेरिएबल्स होंगे दो थिंग्स होंगी और उन दो थिंग्स को हम एक्स और वाई सपोज करेंगे और फिर x और y पर वो कंडीशन लगाएंगे जो हमें गिवन है सो दैट वी कैन गेट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नाउ इन दिस स्टेटमेंट व्हाट आर दोस टू थिंग्स वन इज नोटबुक कॉस्ट ऑफ नोटबुक एंड अदर इज कॉस्ट ऑफ पेन एंड कंडीशन क्या है कंडीशन इज कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन जैसे ही हम सपोज करके कंडीशन लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी सो व्हाट आर दोस टू थिंग्स वन इज cost of notebook and other is cost of pen. एक को हम expose कर लेते हैं cost of notebook को और cost of pen को हम y expose कर लेते हैं और उसके बाद x और y पर condition apply कर देंगे तो हमें equation मिल जाएगी. This question can be done in two ways. Let us discuss firstly first way. So let cost of one notebook is rupees x and let the cost of one pen is rupees y. दो वेरिएबल्स मिल गए हमें एक x और एक y. Now we have to find the equation by applying the condition. Condition क्या है? Cost of notebook. What is cost of notebook? X. According to question. Cost of notebook is equal to is twice the cost of a pen. जो cost of pen है उसकी double है उसकी twice के equal है that means 2y. बस हमारे पास ये equation आ गई and we can write this equation as x minus 2y equal to 0. If we want to write this in the form of ax plus by plus c equal to 0, here c is not with us. C नहीं है हमारे पास so we will be writing it as x minus 2y equal to 0. So in this way we can find the equation from a given statement that is linear equation in two variables. Now one more thing is there the one way another way to find the equation. अब क्या होता है कि कुछ students क्या करते हैं अब कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्सपोज करे और कॉस्ट ऑफ पेन को वाई एक्सपोज करे कोई आर कोई एस कोई टी कुछ भी एक्सपोज कर सकते हैं और उसी में हमें इक्वेशन मिल जाएगी क्योंकि वेरिएबल्स में हम कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट ले सकते हैं स्मॉल लेटर में तो अब क्या है कि मान लो किसी स्टूडेंट ने कॉस्ट ऑफ नोटबुक को एक्स नहीं एक्सपोज किया उसने इसको एक्सपोज किया वाई और कॉस्ट ऑफ पेन को उसने क्या एक्सपोज कर लिया एक्स दैट मीन्स जो कॉस्ट ऑफ पेन थी उसने उसको एक्सपोज किया जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक थी उसने उसको वाई एक्सपोज किया वेरिएबल्स की नेम्स चेंज हो गए जहाँ नोटबुक के लिए एक्स था वहाँ नोटबुक के लिए वाई आया जहाँ पेन के लिए एक्स वाई था वहाँ पेन के लिए एक्स आ गया बट ये कंडीशन जो है दिस इज सेम कंडीशन तो सेम रहेगी ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंडीशन भी उसकी हम रिवर्स कर देंगे कंडीशन को भी नहीं कंडीशन जो लिखी हुई है वो स्टेटमेंट में ही रहेगी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी हम स्टेटमेंट को चेंज नहीं कर सकते सो अकॉर्डिंग टू दीज सपोजिशंस अगर हम ये सपोज करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बननी चाहिए दैट शुड बी लाइक कॉस्ट ऑफ नोटबुक यहाँ पर क्या है वाई
So y according to question, y is equal to double of x, क्योंकि cost of pen यहाँ पर क्या है x, और y जो है वो cost of notebook है, and cost of notebook is double of cost of pen. तो यहाँ पर equation क्या बनेगी, या तो हम इसको ऐसे लें y minus 2x equal to 0, otherwise अगर हम इस y को इधर ले आए तो हमारी equation क्या बन सकती है 2x minus y equal to 0. अब कई बार इन इस केस में क्या होता है कंफ्यूजन कि 2x minus y को 0 कैसे आया, कि भी 2x को इधर ले आएंगे y को इधर ले जाएंगे, भी 2x अगर इधर आएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, y उधर जाएगा तो वो भी नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल होके फिर हमारे पास क्या बच जाएगा 2x minus y equal to 0. अब यहाँ पर अगर हम चेक करें ये जो इक्वेशन है दिस इज टोटली रिवर्स ऑफ दिस, ये x यहाँ है, यहाँ हमारा क्या है 2x है, और जहां 2y है तो यहां पर y है, right? So हमारी equation इससे different आ गई, that is 2x minus y is equal to 0. तो students क्या करते हैं, supposition में तो वो change कर लेते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, condition भी reciprocal उसके reverse कर देते हैं और equation as it is लिख देते हैं. तो that in that case अगर आप ये variables change करते हो, ये x और y है, ये y और x कर दिया आपने और आपने कंडीशन वही सेम लगा दी और इक्वेशन यही निकाल दी, तो दैट क्वेश्चन विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग. सो यू शुड बी टेक केयर दैट द कंडीशन शुड बी अप्लाइड हियर विल बी सेम एज इन द स्टेटमेंट. जैसे स्टेटमेंट में कंडीशन है वो यही, यहाँ पर हमने कंडीशन वही लगानी है, लेकिन हमने जो वेरिएबल्स हैं वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, राइट? So in this way you can find so many linear equations in two variables from the given statements in a very easy manner. बस आपको ये देखना है कि जब भी आपने statement पढ़नी है two things and one condition. Suppose two things as x and y and apply the condition and you can get the linear equation in two variables, right? Now question number two is express the following in the form of ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c. We have given some equations or in equations ko humne kya karna hai, we have to write in the form of ax plus by plus c equal to 0. That means we have to write these equations in standard form or we can say general form. General form जो होती है वो linear equation in two variables की क्या होती है, that is ax plus by plus c equal to 0. So this equation is ax plus by equal to c. तो हमने क्या करना है, जो c है उसको हमने left hand side में लाना है right hand side से, और right hand side में हमारी 0 होनी चाहिए. So this can be written as 2x plus 3y minus 9.35 bar equal to 0. So this equation is in the form of ax plus by plus c equal to 0. Now you have to find the values of a, b and c also. So what is a here? Ax. X ke saath kya hai? 2. What is b here? Y. Y ke saath kya hai? 3. And what is c here? This you have to take care ki if any term is having negative sign, you have to take negative sign along with the value. Ab yahan par plus c hota hai but yahan minus 9 hai, so c ki value kya hogi, that will be minus 9, not minus 9.35 bar, not only 9.35 बार, ये पॉजिटिव नहीं होगा, दिस विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर हमारे सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव. इन द सेम वे वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. बट अगर हम ये देखें तो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में जीरो है और सारी टर्म्स जो है वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है. तो स्टिल हम इस इक्वेशन को इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है. और देयर इज अनदर वे आल्सो कि हम क्या करें, इसका एलसीएम ले लें
5, there will be 5x minus y minus, this is 10 upon 1, तो यहाँ 50 हो जाएगा, and equal to, यहाँ 0 upon 1 है, तो यहाँ 0 आ जाएगा. Now leave LCM, LCM को छोड़ दो, तो AX plus BY plus C की form में हमारी equation, अगर हम fraction में नहीं लिखना चाहते, तो हम इसको भी, इसको लिख सकते हैं, इसमें LCM नहीं लिखे, लेंगे हम. जो हम जब हम इसको ax plus by plus c की फॉर्म में लिखेंगे तो we should leave the LCM. LCM छोड़कर हमारी जो इक्वेशन है that will be 5x minus y minus 50 is equal to 0. ये हमारी ax plus by plus c की फॉर्म में इक्वेशन बन गई. Otherwise already this is in the form of ax plus by plus c, but because this is in fraction, तो fraction को avoid करने के लिए हम इसका LCM लेकर इसको इस form में भी लिख सकते हैं. So now what will be A here? A is 5. What is B here? B will be, अब यहाँ minus y है, तो here will be minus 1. क्योंकि जब किसी भी variable के साथ कुछ भी नहीं होता, तो that means that is being multiplied by 1. तो उसका जो coefficient होता है वो 1 होता है. So b y के साथ कुछ नहीं है, तो b is minus 1. क्योंकि minus का sign है, तो we will be taking minus 1. अगर यहाँ plus y होता, तो हम plus 1 लेते. And what is c here? Again we will be taking minus sign, that is minus 50. So these are the values of a, b and c. और अगर हम इस equation को as it is ax plus by plus c की form में रखें, तो फिर values क्या होंगी? A की value क्या होगी? 1. B की वैल्यू क्या होगी? minus 1 by 5. और C की वैल्यू क्या होगी? minus 10. तो अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं, तो this is right and this is also right कि हम जहां से A की वैल्यू 1 लिखें, B की वैल्यू minus 1 by 5 लिखें और C की वैल्यू minus 10 लिखें. And this is also right, A equal to 5, B equal to minus 1 and C equal to minus 50, because we have leave this LCM, we have left this LCM, इस LCM को हमने छोड़ दिया है. पहले LCM निकाला, ऊपर की इक्वेशन हमने ले ली, उसमें से A, B, C की वैल्यू निकाल कर रख ली और LCM को हमने नहीं लिया. LCM हमने सिर्फ इसलिए लिया कि ये इक्वेशन हमने without fraction बनानी थी, right? Now come to this equation part 3. Again we have to write this in the form of AX plus BY plus C equal to 0. So this is 2X plus 3Y and minus 6 equal to 0. तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी? A की, A is minus 2, B is 3 and C is again minus 6. यहाँ भी minus 6 आएगा C की वैल्यू, because यहाँ minus है. Now fourth question, fourth part is x is equal to 3y. अब यहाँ पर क्या है? We are having x equal to 3y, that means we are not having c. C हमारे पास है ही नहीं. तो that means इसको हम ax plus by plus c की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? X minus 3y plus, अब c नहीं है, तो उसकी जगह 0 लिख सकते हैं. Because we have to write this in the form of ax plus by plus c equal to 0. तो x minus 3y plus 0 is equal to 0. हमने 0 c की जगह क्यों लिखा? Because we have to write the values of a, b and c. So what is a here? That is 1. What is b here? Minus 3. And what is c here? That is 0. So in this way, we can write these type of equations in the form of ax plus by plus c is equal to 0. Again, fifth part is 2x minus 5y. Same part, fourth part ki tarah hai. 2x aur is minus 5y ko idhar layenge, to this will be positive 5y. And c is not there, to c hum kya likhenge? 0 and is equal to 0. So what is a here? 2. B here 5. And what is C? That is 0. Now part 6, 3x plus 2 equal to 0. So again, ab yahan par kya hai? Hamare paas C to hai, but B nahi hai, because AX plus BY plus C, C kya hota hai? Constant. To constant hamare paas hai, but we are not having y term, जो y वाली term है वो नहीं है. तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे, 3x plus 0y plus 2 is equal to 0.
क्यों? क्योंकि इसका मतलब यहाँ b अगर जीरो था तभी तो y एलिमिनेट हुआ, y खत्म हुआ, क्योंकि अगर यहाँ पर वन होता तो y आता, अगर माइनस वन होता तो माइनस वाई आता, बट यहाँ कुछ भी नहीं है, बी वाई भी खत्म हो चुका है, तो वो खत्म क्यों है? दैट मीन्स बी की वैल्यू यहाँ जीरो है. सो वी विल बी राइटिंग हियर ए इज इक्वल टू थ्री, बी इक्वल टू जीरो एंड सी इक्वल टू टू. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. जब हमारे पास कोई एक टर्म नहीं है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तो दैट मीन्स उसका कोफिशियंट जीरो है. हम जनरली तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, बट हमने यहाँ इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि हमें इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था. दैट्स वाई हमने इस वाई वाली टर्म को भी लिखा उसके साथ जीरो लगाकर, और क्योंकि हमें वैल्यूज भी लिखनी थी ए बी और सी की, तो अगर हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो बी की वैल्यू नहीं पता चलेगी. सो दैट्स वाई वी हैव रिटन लाइक दिस. नाउ पार्ट एट, वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो. वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पर x नहीं है, अगेन वी विल बी डूइंग द सेम थिंग विद द x. यहाँ पर y नहीं था, यहाँ x नहीं है, तो वी विल बी राइटिंग हियर 0x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0. सो व्हाट इज a हियर? दैट इज 0. व्हाट इज b हियर? दैट इज 1, क्योंकि y के साथ प्लस 1 है. एंड व्हाट इज c हियर? c इज माइनस 2. c इज माइनस 2 हियर. अगेन क्वेश्चन नंबर 8, 5 इज इक्वल टू 2x. अब क्या करें? 5 इक्वल टू 2x है, x 2x वाली टर्म जो है हमारी राइट हैंड साइड में है. सो हम क्या करेंगे? इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0. अदरवाइज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये माइनस का साइन है, अगर हम माइनस 1 बाहर कॉमन ले लें, माइनस वन कॉमन ले लें, तो क्या होगा? 2x माइनस 5 इक्वल टू 0. और इस माइनस वन को इधर लाएंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा तो 0 ही रहेगा, 0 बाय माइनस 1 इज 0. तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2x माइनस 5y इक्वल टू 0. अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारी a b की वैल्यू जो है वो अपोजिट साइन की आएगी. अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते तो a की वैल्यू क्या आती? a इज माइनस 2. और अभी भी हमने इसको पहले तो हमने इसको सिंपलीफाई किया, बट वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो. तो इसको कैसे लिखेंगे? दिस विल बी 2x प्लस 0y देन माइनस 5 इक्वल टू 0. तो a क्या आया? a इज 2, b इज 0, c इज माइनस 5. ये वैल्यूज आई कब? जब हमने इस माइनस साइन को पॉजिटिव बनाया. और अगर हम इस माइनस साइन को पॉजिटिव ना बनाते, इसको एज इट इज रखते, तो ये इक्वेशन क्या बनती? माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो a की वैल्यू क्या आती? माइनस 2, b इज 0 एंड c इज 5. हम ये देख पा रहे हैं कि ये वाली वैल्यूज इससे अपोजिट साइन किया गया. यहाँ a 2 है, यहाँ माइनस 2, यहाँ b 0 है, b 0 रहेगा क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता, और इसी तरह से c इक्वल टू माइनस 5, तो c यहाँ पर 5 है. तो बोथ ऑफ दीज आर राइट. अगर हम इसको एज इट इज फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं तो ये भी ठीक है, और अगर हम इसका माइनस 1 कॉमन लेकर इसके साइन चेंज करते हैं और माइनस 1 इधर जाकर डिवाइड करेगा 0 को, तो वो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2x माइनस 1. तो हमें माइनस 1 कॉमन दिखाने की भी जरूरत नहीं है, वी कैन राइट इट एज इट इज. हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि अगर हमने फर्स्ट वाला माइनस का साइन हटाना है तो हमें सारी इक्वेशन के साइंस चेंज करने पड़ेंगे. दैट मीन्स हमने क्या किया? माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 था, तो हमने क्या किया? 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दिया, और फिर इसको हमने ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा. एंड देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c. और अगर हम इसको एज इट इज ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखते हैं तो ये वैल्यूज आती हैं. सो बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर करेक्ट. सो इन दिस वे यू कैन एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और यू कैन से इन स्टैंडर्ड फॉर्म, एंड हेंस यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी. थैंक यू.